हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? वैसे तो सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड, आज का जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो एक रिएक्शन वीडियो है और वीडियो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मस्त है। चैनल का नाम मैं बता देता हूँ आपको, पाकिस्तान का एक चैनल है रियल एंटरटेनमेंट टीवी, उसी चैनल की वीडियो है और कल वीडियो अपलोड हुई है और वीडियो देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। और इसमें सिर्फ बाइकर्स की बात हो रही, जितनी भी बाइक है ना, इंडिया की बाइकों की तारीफ सुन के और मन जो है ना खुश हो गया, गदगद हो गया। तो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी बाइक देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ पहले इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद करते बहुत सारी बातें। तो चलो वीडियो को वॉच करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। पाकिस्तान में हमने अक्सर बाइक प्राइस कंपैरिजन किया होगा कि इंडिया में एक बाइक कितने की है, पाकिस्तान में एक बाइक कितने की है, लेकिन आज हम जिस जगह पे दुबई में मौजूद हैं वहां पर मोस्टली बाइक जो है वो इंडियंस है। जैसे ये पल्सर बाइक है, ये भी इंडिया की है और मेरे साथ कुछ इंडिया के बाइक, कुछ पाकिस्तान के बाइक भी मौजूद है। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि ये बाइक मोस्टली अगर ये देखें जितनी भी बाइक खड़ी है मोस्टली जो है वो मेड इन इंडिया है। हेलो भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया भाई। आपका नाम? मेरा नाम रामधन। क्या राम भाई जी, कहाँ से आप? मैं यूपी इंडिया, सहारनपुर। सहारनपुर से जी। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी बाइक, कैसे हैं भाई जान? ठीक है। आपका नाम? मोहम्मद फैजान। कहाँ से है? इंडिया। इंडिया से। अच्छा, मोस्टली लोग भी इंडिया से हैं, बाइक्स भी इंडिया से हैं। भाई जान, क्या कहना चाहेंगे पहले तो ये बताएं, पहले मुझे कभी देखा आपने वीडियो वगैरह? जी जी, मैं यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखता रहता हूं। भाई पूरा इंडिया आपको देखता है। बाइक की कीमत अगर इंडिया में हम बात करें कितने की है, इंडियन रूपी इंडिया में? ये इंडिया में 125-130 के आसपास की बाइक है। ऑन रोड आपको पड़ जाएगी ये जो 150 cc में है, इससे प्लस जो है फिर अपर रेट होते चले जाते हैं, जैसे इससे जो 220 है, 200 है। आप भाईजान क्या कह रहे थे, कौन सी क्वालिटी की? मैं कह रहा हूँ जैसे भाई ने बताई है, इससे जो जब ये 150 cc में है, 220 cc वाली उससे ऊपर है उसकी अमाउंट, उससे ऊपर भी है, 250 cc में भी है, उससे ऊपर है। ये वाली कितने की है? ये ऐसी 25-30-35 तक। अब हमारे पाकिस्तान में नीचे है। ठीक है, पहले तो ये चीज देखनी है कि यूएई की अगर बात करें, दुबई की बात करें, इस्लामिक स्टेट है, लेकिन सारी बाइक्स हमें कहां से देखने को मिल रही है? मोस्टली इंडिया से। और फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला कि इंडियन रुपीज 1,25,000 के करीब ये बाइक है। पाकिस्तान में तकरीबन जो 70 है ना, 70 cc, वो भी हमें मिलती है ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब, 160-170 के करीब, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा फर्क है। भाई जान ये बताएं कि यहाँ पे जो जितनी बाइक्स यूज हो रही है, इसके अलावा ये पल्सर के अलावा और कौन सी यहाँ पे कंपनी है जो इंडिया की बाइक है? जबरदस्त। अच्छा, हमारे वहाँ पे इस तरह की बाइक्स को कहा जाता है जी हैवी बाइक, हैवी बाइक मतलब ये दो बाइक्स है इंडिया की जो यहाँ पे एक्टिविटी के तौर पे यूज हो रही है। भी इंडिया की है। कौन सी बाइक? और भारत से बाइक मंगाते तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी बाइकें होती हैं। तो सोएब भाई बाइक को देखते हैं बहुत खुश हो रहे हैं। आज उन्होंने बाइक के ऊपर वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छी वीडियो लगी। और हाँ, एक चीज और देखना, यहाँ पे कुछ पाकिस्तान और इंडिया के लोग बाइक चलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है तो वो इधर अपने उसके थ्रू मंगाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इधर। डेफिनेटली बिजनेस हो रहा है। अच्छा जी, ये तो वो है बाइक्स थोड़ी नॉर्मल रेंज में है। मैंने सुना है कि बड़ी जो बड़ी हैवी बाइक्स हैं वो भी इंडिया से यहाँ पे आ रही हैं और यूज हो रही हैं। हाँ, हो रही है। यामा की हैं, यामा की काफी बाइक्स हैं। अच्छा, सुजुकी भी काफी बाइक्स हैं। ठीक हो गया। कौन सी? सुजुकी जिक्सर, ये वाली। जिक्सर कौन से वाली दिखाइएगा? अच्छा, ये आप इधर चलाते रहे, ये देखिए जी दिखाइएगा, ये इसका नाम क्या? 160 है। ठीक हो गया। 160 भाई जान, आप कौन सी, ये कितने की है? इधर का तो नहीं, लेकिन 150 की जाती है स्पीड से। ठीक है। और ये आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान, पंजाब। अच्छा, ये मेरे भाई पाकिस्तान से है और बाइक चला रहे हैं इंडिया की। अच्छा, क्या फील होता है इस टाइम? एक तो ये वैसे तो यहाँ पे आके ये मैंने 10 दिन से नोट कर लिया है कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, इधर सब भाइयों की तरह रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं। लेकिन क्या फील होता है, क्या समझते हैं? ये आपने जो बाइक चला रहे हैं ये भी इंडिया की, ये जो सामने खड़ी है ये भी इंडिया की, मोस्टली बाइक्स यहाँ पे इंडिया की है, सब इंडिया की है, टोटल सभी। हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान में 70 कितने की मिलती है जरा इन्हें बताइए? वो तो अभी मेरे तक 2 लाख नजदीक का पड़ गई है। 2 लाख के करीब चली गई है, मुझे 1.5 का राउंड बुक क्या आ रहा है। मैं 2 साल हो गए इधर ही हूँ, अभी तो 2 लाख जो भी बोलता कहता 2 लाख फ्री में ले लेता है क्या?
इंडिया में कोई फिर भी नहीं खरीदता हमारे बाइक की। जो बाइक है होंडा जो बाइक है वो 2000 में बंद हो गई थी, अब से 24 साल पहले इंडिया में वो बाइक बंद हो चुकी है, वो मिलती नहीं है। और जो आपके यहाँ मेहरान मिलती है ना, ऐसे हमारे यहाँ मारुति 800 थी, ठीक है, वो 2006 में बंद हो गई थी, उसके बाद वो गाड़ी कोई आती नहीं है। इंडिया में अगर आप उसको सेकंड हैंड लोगे तो आपको 25,000 से 30,000 में मिल जाएगी गाड़ी, मिल जाएगी 25,000 से 30,000 में आपको इजली गाड़ी मिलेगी। 30,000 में कार मिल जाती है। ये क्या कह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, 25,000-30,000 की गाड़ी कह रहे हैं, हमारे उधर 25,000 आए ना कभी, आपको पता चल जाएगा। उधर 25,000-30,000 की कार भी मिल जाएगी अगर आप लेना चाहो तो, नॉर्मल चलाने में। कौन से वाली कार मिलेगी, जैसे ये अल्टो है 800 लाइक मिल, भाई जान उधर कितने की है पाकिस्तान बाइक, तो जोड़ कोई पेट्रोल डलवाने भी नहीं जा रहा, ऐसे ही है। मैं कहता हूँ 25,000 का 25,000-30,000 की इन्होंने बोला है कि सेकंड हैंड कोई गाड़ी मिल जाएगी अल्टो टाइप। मैं कहता हूँ 25,000-30,000 दो चार पाँच दिन का रेंट होता है एक नॉर्मल गाड़ी का पाकिस्तान में, बिल्कुल इतना फर्क आप क्या सोचते हैं यहाँ पे आके इन भाइयों से पूछते नहीं है कि यार आपके वहाँ पे इतना सस्ता कैसे है। मैं सोचता हूँ, मैंने जिक्सर थी मेरे पास पहले, वो मैं देखता हूँ जो हमारे पास ये हमारे इंडिया में है, इंडिया में हमारे पाकिस्तान तो है ही नहीं इस तरह की। अच्छा देखी नहीं है हमने। ये बात आज बताना, इस तरह की बाइक पाकिस्तान के रोड पे चल रही होती है तो लोग क्या कहते हैं, हैवी बाइक, हैवी बाइक जा रही है। तो इधर ये पीजे के सर, मैं मुझे खुद ही मैंने जब आया ना मुझे जिक्सर मिली है, मैंने तो पहले इसको देखा गौर से, मैंने कहा ये मैंने चलानी है, बोले वो हमने उधर पाकिस्तान में वो 70 चला चला कर ऐसे ही है, 70 या ज्यादा से ज्यादा जो अच्छा होता है, मतलब ये की भाई मेरे पास अच्छी बाइक है उसके पास 125 बस इसके ऊपर नहीं। और वहाँ पे 125 मेरे ख्याल से स्टार्ट होती है, या मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल। मैंने आपसे मैं झूठ बोलूं, मैंने वो बाइक देखी नहीं है, नहीं मेरी 24 एज है, 24 और इंडिया में वो बाइक मैंने नहीं देखी वो बाइक, ठीक हो गया। अच्छा ये चीजें हमें भी थोड़ा गौर करने वाली हैं कि हमारे यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, आए थोड़ा आगे आए, दूसरी बाइक भी इधर दिखाइएगा भाईजान, जो बाइक मुझे ये वाली ये कौन सी है, ये किधर की है, ये इंडिया ये भी इंडिया की है, जी जी ये भी मैन्युफैक्चरिंग, क्या बात है क्या बात है। ये बाइक वहाँ पे होती तो मतलब जिसके पास ये बाइक वहाँ पे हो तो पाकिस्तान में उसे समझा जाता है कि भाई लड़का तो फुल सेट है, सेट है। तो आपके वहाँ पे ये बाइक कैसे नॉर्मल चल रही है, नॉर्मल है ये हर किसी आदमी पे है, जो है। मतलब जो मजदूरी कर रहा है ना, जो रक्षा चला रहा है वो, उसके पास भी ये बाइक है, ठीक है। इसकी क्या कीमत है इंडिया में, इसकी क्या कीमत है, ऑलमोस्ट इसकी ऑलमोस्ट 1,00,000 समथिंग है, लाइक दिस 1,00,000 कुछ है, 95,000-98,000 इतनी है, मतलब 1,00,000 के राउंड अबाउट है, ठीक हो गया। एक से नीचे नीचे, एक से नीचे नीचे, चले वो तो जाहिर बात है कीमतें बढ़ती ऊपर नीचे होती रहती हैं, 2,000-3,000 का वो इन्हें एग्जैक्ट नहीं पता होगा, वो भी होंडा की खड़ी है, वो भी होंडा की खड़ी है, सारी बाइक्स खड़ी है, वो कौन सी आइए देखते हैं। अच्छा जितनी भी बाइक्स हैं, मैं कहता हूँ कोई एक बाइक ही पाकिस्तान की हो जाती, कोई एक बाइक ही, कौन सी बाइक निकल गई। अच्छा आप पाकिस्तान से, लगता है मुझे आपको बाइक्स का शौक है, वो शो किधर आ गए सारी दिखाइएगा। सानिया, अच्छा ये सानिया बाइक है, ये भी इंडिया की है, इंडिया की है, ठीक हो गया। ये कितने की है भाईजान वहाँ पे, ये है बाइक, अच्छा ये भी बड़ा जबरदस्त। सर ये कौन सी है, ये भी पल्सर है, वो होंडा है। मोस्टली बाइक्स यहाँ पे जोन सा हमें मेड इन इंडिया जोन सा वो मिल रही है। एक और भाई आए हैं, हेलो भाई कैसे हैं आप, ठीक है, मैं ठीक ठाक, आप बताए कैसे है, ठीक है, ठीक हो गया। मैं बाइक्स वगैरह दे, आप पहले तो ये बताए कहाँ से है। मैं इंडिया से हूँ। इंडिया कौन से एरिया, सिटी से, ओडिशा, ओडिशा से है, ठीक हो गया। मुझे बताएं मोस्टली बाइक आपकी यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे जो नजर आ रही है वो इंडिया की नजर आ रही है, ये पूरा इंडिया का है, क्या वजह है इसकी, इंडिया का इंडिया यहाँ से इंडिया का जो, हाँ ये तो क्वालिटी अच्छा है, अच्छी है और दुबई का रिलेशन भी अच्छे है इंडिया। दोस्तों हम लोगों ने वीडियो को देखा, पकड़ कर इसको, और वीडियो काफी जबरदस्त लगी भी होगी आप लोगों को, और वीडियो में बाइकों की तारीफ देख के सोहेब भाई इतना खुश हुए कि मैं क्या बताऊं, मदारी है तू, और उनकी खुशी के साथ खुशी हमें भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी, क्योंकि हमारे देश की बाइकें और तारीफ वहां पे हो रही है। तो और रियल एंटरटेनमेंट टीवी को पूरे भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में सब जगह देखी जाती, चलना इस लॉरल को जल्दी हार्डी बना, और लोग पसंद भी करते हैं। तो अब इस समय भारत की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, और भारत का नाम विकास हो रहा है, और वहां के लोग ये सोचेंगे कि काश भारत से दोस्ती अगर यहाँ की गवर्नमेंट करती तो ऐसे ही बाइक उनके देश में भी वहां पे हो।
होती है, ना कि वो टूटी फूटी कटारा बाइक जो लाल कलर की मिलती है ना, अब तो हमारे देश के अंदर तो बहरहाल हमने तो देखा ही नहीं, पर हमारे यहाँ तो स्प्लेंडर है, उससे अच्छी कंडीशन में है। इस वीडियो का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, क्योंकि मैंने तो शॉर्ट वीडियो बनाया है और वीडियो बहुत बड़ी है और वीडियो आप लोग देखना जाके बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ वीडियो काफी लंबी ना हो जाए, तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वाले रिएक्ट वीडियो में, उसमें करेंगे हम लोग बहुत सारी बातें। जब तक आप लोग रखना अपना ध्यान और बाय बाय करते हैं, बाय बाय।